अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक दी न्यू ब्लॉग। तो भाई सब कैसे हो, मज़े में हो? आज 29वां रोज़ा हो गया भाई, अब रात में जो है ना फाइनल होगा कि आज चांद रात हमारी होती है कि नहीं होती। पर जो है ना कल तो सऊदीया में ईद है, क्योंकि कल रात में हम खबरें देख रहे थे, उनका आज तीसवां रोज़ा है, ठीक है ना। कल तो बस हम उनकी ईद है, और अब हमारा देखो सऊदीया के साथ ही ईद होती है या क्या होता है, वो तो इसी व्लॉग में पता चल ही जाएगा भाई, क्योंकि ये व्लॉग मैंने अभी ऑन किया है। और रात तक जब तक चांद नज़र आता है या नहीं आता कुछ भी A to Z, तो फिर भी जो है ना मैं बताऊँगा, ठीक है ना। और ये रात तक जो है ना व्लॉग चलेगा, ठीक है। और इस्लामाबाद से जो है ना पापा और मुबीन और हारिस भाई भी आ गए हैं, ठीक है ना। तो आज मुबीन के ससुराल वालों की तरफ दावत है इफ्तारी की, ठीक है ना। 3 दिन से दावतें ही चल रही हैं, ठीक है। आज वैसे दावत भी है और हमने ईद देने भी जाना है, ठीक है, मुबीन का ससुराल पे, ठीक है, मुबीन का ससुराल पे ईद भी देने जाना है, ठीक है ना। तो बस इसकी वजह से बस जो है ना अभी मैंने व्लॉग ऑन किया, तैयार वगैरह हो के प्रॉपर पूरा कटिंग वगैरह करवाने गया हुआ था, टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग ऑन करने का, तो इसलिए मैंने कहा बस अब तैयार हो के जो है ना जब निकलने लगूँगा फिर ही जाके मैं व्लॉग ऑन करूँगा, ठीक है। तो बस अभी व्लॉग वगैरह ऑन कर लिए, सब रेडी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बस मैंने बोला मैं व्लॉग ऑन करके आता हूँ छत पे, क्योंकि व्यू प्यारा होता है, धूप छूप निकली हुई होती है, रिजल्ट अच्छा होता है, ठीक है ना। तो बस अभी व्लॉग ऑन किए और बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, अभी फ़ौरन से नहीं निकल रहे, थोड़ी देर में निकलेंगे, फिर जो है ना आपको साथ साथ रास्ते का व्यू भी दिखाएंगे, वहाँ पहुँच के भी आपको बताएंगे, सारों से आपको इंशाल्लाह जाना मिलवाएंगे, ठीक है। हाय हाय हाय, ये वैसे भाई अगले ने ईद के लिए ली थी खेड़ियाँ और ससुराल जा रहे हैं, तो नई पहन के जा रहे हैं। ये तो शूटिंग चल रही है भाई, शूटिंग चेक करो 14 Pro Max से, 14 Pro Max बैक से दिखाना ज़रा, फोट नज़र लग जाएगी। चेक करें भाई क्या बात है, खेड़ियाँ चेक करो, शाइनिंग मारी वो भी आँखों में चुभ रही, आँखों में आँखों में चुभ रही है भाई। कहाँ है गाड़ी, कहाँ गई यहाँ से? रिवर्स करके ला रहे हैं, चलो फिर निकलें भाई, निकलते हैं फिर आपको रास्ते में मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ तू और आगे कर। तो जी भाई मुबीन के ससुराल जो है ना पहुंच गए हैं, बस समझो गांव में इंटर हो ही गए हैं, ठीक है ना। असल में मैं और अतीब दोनों उतर के पैदल पैदल जा रहे हैं उनके घर तक, पहले इसलिए मैं उतर गया, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई थी, असल में खाली पेट है ना और एसी भी चल रहा था और ऊपर से गर्मी टेम्परेचर इतना, तो बस उल्टी होने का डर था। मैंने कहा मुझे उतार दो भाई, इससे पहले उल्टी हो जाए, रोज़ा जो है ना आखिरी रोज़ा है, माशाल्लाह सारे रोज़े गए हैं, तो यानी ये भी रोज़ा टूट जाए। तो मेरी भी तबीयत डाउन हो रही थी और रतीब की भी, हम दोनों पैदल चल के आ जाएंगे, थोड़ा बेहतर फील करेंगे, अंदर ठंडा बाहर गर्म जो है ना उससे तबीयत ख़राब होती है, और ऊपर से खाली पेट भी, इसकी वजह से जो है ना बस हम उतर गए। बस थोड़ा सी रास्ता है ये आगे गली के अंदर ही है, तो बस जो है ना फिर चलते हैं, फिर जो है ना घर पर बैठ के ना फिर व्लॉग ऑन करेंगे, ठीक है। तो जी भाई घर आ गया, ठीक है, सबसे मिल लिए, तो बस जो है ना अब मैं लगा हूँ सोने, क्योंकि तबीयत जो है ना ख़राब होती जा रही है भाई आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना, अजीब सी जो है ना घबराहट हो रही है। तो मेरे घर से अच्छा सो जाते हैं, ठीक है ना, अब असर में उठते हैं अफ्तारी से पहले, तो फिर आपको मिलते हैं अफ्तारी में एक ही दफ़ा, ठीक है ना, अफ्तारी में मिलते हैं भाई, तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई, अफ्तारी में मिलते हैं। 1 hour later. जी भाई इफ्तारी के टाइम बिल्कुल अभी उठा हूँ और दस्तरखान जो है ना माशाल्लाह से लग गया है, काफ़ी बड़ा लगा है माशाल्लाह से, ठीक है ना, और इफ्तारी वगैरह करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। जी अफ्तारी वगैरह हो गई है, ठीक है, नमाज़ भी बस जो है ना घर ही पढ़ी है, तो मस्जिद यहाँ पे दूर थी, ठीक है, तो नमाज घर भी पढ़ी है सारों ने, और बस जो है ना अभी थोड़ी देर और मेहमानों के साथ बैठेंगे, फिर शायद थोड़ी देर तक जो है ना वापसी अपने गांव के लिए निकलें, ठीक है ना, फिर जो जो आगे साथ साथ होता है आपको बताते हैं, ठीक है।
तो जी छत पे चढ़े हैं यार चांद के लिए, पर चांद तो यार बादलों में पीछे छुप गया है यार, अब ऐसे नज़र कहाँ से आएगा भाई। असल में सारे के सारे बादल बादल आ गए ना, तो चांद जो है ना छुप गया। और अब जो है ना, अब हम टीवी वालों से ही जो है ना चेक करेंगे टीवी वाले क्या बोलते हैं, ठीक है, और क्या बनता है भाई, चांद रात आज होती है नहीं होती, सुबह ईद होती है नहीं होती भाई, ठीक है। अब ख़बरों से पता चलेगा, मैं खुद छत पे चढ़ा था, मैं कहा चेक करें, पर जो है ना बादलों ने ना जहाँ भी चांद होगा वहाँ चांद को घेर लिए बेचारे को। तो जी बस वापसी अब घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, गाड़ी रिवर्स वगैरह हो रही है, ठीक है, तो फिर जो है ना अपने गाँव जाके आपको मिलते हैं। तो जी भाई अपने गांव पहुंच गए, ठीक है, अड्डे पे पापा ने उतार दिया था, हम गोश्त लिए मैंने और मुबीन ने, ठीक है ना, और आप सबको भी चांद रात मुबारक और एडवांस ईद मुबारक, ठीक है। और क्या कहते हैं, बस अभी जो है ना घर पहुंचते, एक तो अंधेरा, आंखों में रोशनी लग रही है भाई, सामने नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, गलियों में जो ना पहले ही इतना अंधेरा होता है ठीक ठाक करके। और अभी घर पहुंच के ना फिर आपसे मिलते हैं, अभी मुबीन ने नहीं करना चांद रात मुबारक, हैं, चांद रात मुबारक सबको, हाँ चांद रात मुबारक भाई सबको, मेरी तरफ से भी जो है ना चांद रात मुबारक और एडवांस ईद भी मुबारक, ठीक है। ईदी के लिए नंबर लिख लें 0318। नहीं, हाँ बाकी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, ठीक है, बायो में लिख देंगे। देख मैंने बोला भी था मैं खड्डों में नीचे गिरूँगा। जी भाई घर आ गए हैं, ठीक है ना, और कपड़े छपड़े भाई फ़ौरन से निकाल लिए, क्योंकि भाई यहाँ गांव है, और फ़ौरन से इस्त्री शिस्त्री करने, फिर सुबह सुबह जो है ना नमाज़ पढ़नी होती है, ठीक है। और ये जो है ना, ये सूट मेरा है, ये पापा का है, और ये अतीब का है। मुबीन का कहाँ गया है? उसका पता नहीं किधर है, मिल ही नहीं रहा था। अच्छा चलो खैर है, उसका भी दिखा देंगे। पर ये जो ये पापा का है, ये मेरा आ गया, और ये अतीब का आ गया, और हारिस भाई का भी नहीं है, है ना। हाँ चलो देखते हैं, उनके भी निकाल नजर, उनके भी ब्लॉग में दिखाएं। और ये देखो भाई, ये मोबाइल ऐसे लगे हुए लाइनों से मेरे भाइयों के, जैसे ब्लॉगिंग भी इन लोगों ने ही करनी है। मेरे मोबाइल में चार्जिंग डेड हुई भी, और पिछला ब्लॉग भी अभी एडिट करना, पिछला ब्लॉग नहीं बल्कि यही वाला ब्लॉग ना, हाँ ये वाला ब्लॉग अभी रात में एड करके ना, और ये एडिट करके फिर सुबह फजर की नमाज़ें पढ़ेंगे ना, फिर जो ना अपलोड इसको करेंगे, ठीक है ना। और अभी पर फौरन से भाई कपड़े वगैरह इस्त्री करते, इस्त्री के इस्त्री हुए भाई, ये जो है ना बस थोड़ी बहुत सले होंगी। इसको शॉपर से तीन निकाल ना, इनको शॉपर से निकाल, और इनको फिर चेक कर कितनी कितनी इस्त्री होनी है, वो इस्त्री करेंगे, ठीक है ना। कपड़े छपड़े देखो पूरे कमरे में फैले हुए हैं, ये किसके, ये क्या तुम्हारी सेम है, ये नहीं है पापा के हैं शायद, ये पता नहीं किसके हैं, फिर पता लगे कि पुराने हो, ये मुबीन के हैं, पता नहीं किसके हैं मेरे ख्याल में भाई। ये तो दो सेम हो गए, ये अतीब के हैं, ये मुबीन भाई के, हारिस भाई के होंगे मेरे ख्याल से। चल खैर जिसके भी हैं मेरे ख्याल मुबीन भाई के ही होंगे। कपड़ों का देखो भाई, सही जो है ना फैल लगा हुआ है, ये ईद के तेरे हैं उससे, तेरे और अतीब के सेम टू सेम है, फिर तो ले कल भाई, कल ही है और परसों ये पहनेगा, क्यों, अच्छा ससुराल ले आएंगे, समझ रहे हो आप, सही है, ठीक है भाई, ससुराल ले भाई, इसके दूसरे दिन ईद के दूसरे दिन आएंगे तो तब ये पहनेगा नया वाला, ठीक है ना। और अब देखते हैं सुबह भाई, मेरी बात सुनो भाई, सुबह जो सूट पहनेगा ना, ठीक है, सुबह तो वैसे भी आपको मैंने विजिट कराना है, जो कल वाला ब्लॉग होगा ये वाला ब्लॉग भी यही ऐड करूँगा, ठीक है ना, हैं क्या ट्रेनिंग करेंगे पापा, मैं ब्राउन वाइट, अच्छा ये वाला भाई, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये पापा हारिस भाई और मुबीन भाई, तीनों का ना यही कलर है, एक ही कलर है, ठीक है ना, और मेरा ये कलर है, ठीक है।
और क्या कहते हैं, और अतीब का ये कलर है भाई। और सुबह वैसे भी हम लोग जो है ना तैयार वगैरह होंगे, और वैसे भी मैंने आपको ब्लॉग में सबको दिखाऊंगा, पापा को भी दिखाऊंगा, ठीक है, और ये मुबीन को भी दिखाऊंगा, अतीब को भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देख पागल हो गया ये, इसको इसको ना शैतान निकल आया। बिल्कुल सही कह रहा है। शैतान कहाँ गया था तेरा मुबीन? कैदी नंबर 408 भाई, कैदी नंबर 408 फंसा हुआ था, 804 अब निकल आया भाई, शैतान आज सारों का निकल आया, ठीक है ना। पर बेटा अगर शैतान संभाला जाए ना, संभल सकता है फिर भी। देखो मेरे भाइयों, थोड़ा तेज, रमज़ान ख़त्म हुआ है, इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ, आओ तो नमाज़ें आप पढ़ते रहो, ठीक है, पाँच छः। हाँ, और आपको भी अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने की हिदायत फरमाए, आमीन आमीन, ठीक है भाई। तो जो है ना यही ब्लॉग एंड करेंगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह सुबह ईद वाले ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक है ना। फिर ये सारे तैयार होंगे, सारों से मिलवाएंगे, और जो जो कपड़े पहनेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।